माँ का जादुई मशीन और लहंगा। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में अनुष्का और केशव अपनी 5 साल की बेटी राधिका के साथ रहते थे। राधिका अपने माता पिता की जान थी और बहुत ही लाडली थी। उसकी हर एक ख्वाहिश चुटकियों में पूरी हो जाया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक 5 साल की छोटी बच्ची के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब एक दिन केशव और अनुष्का का कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सड़क पर कुछ मौजूद लोग उनको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अनुष्का की हालत बहुत गंभीर थी, जबकि केशव को ज्यादा चोट नहीं लगी। अनुष्का अपने पति से कहती है, राधिका अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, उसे माँ की कमी महसूस मत होने देना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जाने के बाद दूसरी शादी कर लेना, ताकि राधिका को माँ का प्यार मिलता रहे, उसे ममता की कमी कभी महसूस ना हो। अनुष्का इतना कह ही पाती है कि तभी अनुष्का राधिका को हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए चली जाती है। ये देखकर केशव बहुत रोता है। कुछ समय के बाद अनुष्का का दाह संस्कार कर देता है। अभी तक राधिका को इस बात की खबर नहीं थी, अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने पिता से अपनी माँ के बारे में ही पूछती रहती। पिताजी, पिताजी, माँ कहाँ पर है? मैं आपसे 4 दिन से बस यही पूछ रही हूँ कि माँ कहाँ है, लेकिन आप है कि मुझे जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। रात को वो मुझे लोरी गाकर सुनाती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी, मेरा होमवर्क करती थी। पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे माँ चाहिए, माँ को बुलाइए, मुझे माँ के पास जाना है पिताजी। केशव राधिका की तरफ एक टक देखता रहता। वो सोचता है कि इतनी छोटी बच्ची को उसकी माँ की मौत की खबर कैसे सुनाए, और वो दूसरी शादी करने का फैसला कर लेता है। और एक दिन राधिका के उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि उसे माँ मिल जाए, ममता की कमी कभी महसूस ना हो, इसलिए वो कौशल्या नाम की औरत से शादी कर लेता है। उसकी पहले से 2 बेटियां थी, नेहा और सुषमा। केशव कौशल्या, नेहा और सुषमा को घर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर राधिका अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैंने आपसे माँ को लाने को कहा था, ये आप अपने साथ किसे लेकर आई हैं? और ये 2 लड़कियां कौन है पिताजी? राधिका, मेरी प्यारी शहजादी बिटिया, ये तुम्हारी नई माँ है, और ये तुम्हारी 2 बहनें हैं। तुम इनके साथ खेलना, कूदना और पढ़ाई करना, तीनों बहनें हंसी खुशी रहना। बेटा, तुम्हारी माँ की यही इच्छा थी, उसके जाने के बाद तुझे माँ की कमी महसूस ना हो। ऐसा कहकर केशव बड़ी हिम्मत करके अनुष्का के मौत के बारे में बता देता है। ये सुनकर राधिका बहुत रोती है। तभी कौशल्या राधिका को प्यार करते हुए कहती है, मेरी प्यारी बेटी, इस तरह से नहीं रोती, मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा, तुम तो मेरी बेटी की तरह हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। इतनी प्यारी बच्ची रोते हुए अच्छी नहीं लगती, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, चुप हो जाओ प्यारी बिटिया। ये सुनकर राधिका खुश हो जाती है कि चलो, उसने एक माँ को खोया तो दूसरी माँ मिल गई, पर अब वो अपनी माँ और उनकी दोनों बेटियों के साथ अपने आगे की जिंदगी व्यतीत करेगी। ये सोचकर वो शांत हो जाती है। केशव को भी लगता है कि उसने दूसरी शादी कर कोई गलती नहीं की। राधिका को उसकी माँ मिल गई, और वो राधिका की सारी जिम्मेदारी कौशल्या को देकर शहर काम के सिलसिले से चला जाता है। असल में कौशल्या बहुत ही लालची और बुरे स्वभाव की औरत थी। उसने केशव से शादी सिर्फ उसका धन दौलत हासिल करने के लिए की थी। केशव के शहर जाते ही कौशल्या राधिका को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। ओ राधिका की बच्ची, सुन मनोज, मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। जो तो यहाँ पर आराम फरमा रही है, किचन में इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन साफ करेगा? तेरी मरी हुई माँ, और घर भी कितना गंदा हो रहा है, उसकी सफाई कौन करेगा? मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल पहले बर्तन साफ कर, फिर उसके बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी है। और मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ, मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर किया है, और वो तुम खा लेना, तुम्हें भूख लगी होगी ना? माँ, मैं भी कितनी छोटी हूँ, मुझे ये सब काम करना नहीं आता है। मैं बर्तन साफ नहीं कर सकती, न ही सफाई कर सकती हूँ। और जब से पिताजी गए हैं, आपने मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या आपने मेरे लिए भी पिज्जा मंगाया है? पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ,
और दूसरी बात, तुझे जब तक खाने नहीं मिलेगा जब तक तू घर के सारे काम नहीं करती, और तू इस तरह शहजादी भी बनकर नहीं रहेगी। और ये जो तुम्हारे सुंदर सुंदर वस्तु है, ये सब मेरी बेटियों की है, और तेरा रूम भी अब से मेरी बेटियों का है, और तुम्हारी छोटी से छोटी चीज मेरी बेटियों की है। तू सिर्फ इस घर में नौकरानी बनकर रहेगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और हाँ, तुमने अपने बाप को कुछ भी बताने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं तेरे बुढ़े बाप से शादी इसलिए नहीं की कि तेरी देखभाल करूंगी, मैं तो ये सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उस बुढ़े से शादी की है। अगर तूने उस बुढ़े को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तेरा बाप भी हमेशा के लिए तेरी माँ की तरह तुझे छोड़कर चला जाएगा। कौशल्या के मुँह से ये सारी बातें सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी सौतेली माँ कितनी ज्यादा खतरनाक है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चुपचाप पूरे घर की सफाई करती है। उसके हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं और उसके बाद वो बर्तन साफ करती है और उसके बाद अपनी सौतेली माँ के पास खाने के लिए जाती है। जो नेहा सुषमा के आगे बचा हुआ पिज्जा होता है वो राधिका को खाने के लिए दे देती है। राधिका चुपचाप उस झूठे पिज्जा को खा लेती है। बेचारी करती भी तो क्या करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। जब भी केशव शहर से वापस आता तो तीनों माँ बेटी राधिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, जैसे उनसे अच्छा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। और केशव के शहर जाते ही उसके साथ नौकरों से भी ज्यादा बदतर बर्ताव करती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब राधिका बड़ी हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन नेहा और सुषमा बहुत सारी शॉपिंग करके घर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी देखो सुषमा और मैंने कितनी शॉपिंग की है, ये सुंदर सुंदर फ्रॉक और सैंडल, मेकअप। आपको पता है कविता आंटी की बेटी की शादी है और सबको सुंदर लाल फ्रॉक पहनकर जाना है और मैचिंग के सैंडल भी, क्योंकि कविता आंटी की बेटी रेड कलर की थीम रख रही है। मम्मी मम्मी आपको पता है हम दोनों ने सबसे ज्यादा महंगी और सुंदर फ्रॉक खरीदी है। देखिए ऐसे फ्रॉक शादी में किसी की भी नहीं होगी, हमसे ज्यादा सुंदर और कोई हो ही नहीं सकता। आसपास के सभी लड़कियां रेड कलर की फ्रॉक लेकर आई हैं, लेकिन हमारे जैसे किसी की भी नहीं है। अरे मेरी शहजादी बेटियों, तुम तो हो ही इतनी ज्यादा सुंदर, सस्ती भी पहनती हो तो भी सुंदर लगती हो। अरे ब्रांडेड फ्रॉक पहनकर तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं लगोगी, शादी में तुम ही लगोगी सबसे ज्यादा सुंदर। वो मनोज करमजली कहाँ मर गई? जल्दी मेरी बेटियों के लिए चाय पानी लेकर आ, वो शॉपिंग कर थक चुकी है, जल्दी आ चाय बनाकर। सुषमा मेरी बात सुन, बहुत दिन हो गए उस नौकरानी की पिटाई नहीं हुई, चल कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से मम्मी का पारा हाई हो जाए और वो उस नौकरानी की बहुत ज्यादा पिटाई करे। उस नौकरानी की पिटाई एक ही तरह से हो सकती है जो हमारे ब्रांडेड फ्रॉक खराब कर दे, या फिर तब होगी जब हमारे लिए चाय लेकर आएगी और हम अपने टांग अड़ाकर उसे गिरा देंगे। बहुत मजा आएगा उसकी पिटाई देखने में, ऐसा मनोरंजन देखे हुए बहुत समय हो गया, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, चल जल्दी करते हैं। नेहा और सुषमा राधिका की पिटाई कराने की प्लान बना लेती है और जैसे ही बेचारी राधिका चाय नाश्ता लेकर आ रही थी कि तभी नेहा सुषमा अपने टांग अड़ा देती है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और सारी चाय नेहा सुषमा के ऊपर आकर गिर जाती है। ये देखकर कौशल्या बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और बेचारी राधिका की बहुत ही पिटाई करती है और उसके बाल खींचते हुए कहती है, मनहूस करमजली नौकरानी, मेरी बेटी की इतनी महंगी और सुंदर फ्रॉक तूने खराब कर दी, तू मेरी बेटी से जलती है ना, इसने जानबूझकर इस पर चाय गिरा दी। नहीं माँ, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई है, वो तो नेहा और सुषमा ने जानबूझकर टांग अड़ा दी थी जिसकी वजह से मुझसे चाय गिर गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया करके मेरे बाल छोड़ दीजिए। माँ माँ प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए, मेरे पर थोड़ा रहम कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ क्या आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी भी दया नहीं है? मैं सुबह से लेकर शाम तक नौकरानी की तरह काम करती रहती हूँ, उसके बावजूद भी आप मेरी पिटाई करती रहती हैं। आप मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो, आखिर मैं भी इस घर की बेटी हूँ। यही तो तेरी सबसे बड़ी गलत फहमी है कि तू इस घर की बेटी है, तू इस घर की बेटी नहीं है। क्या तुझे पता नहीं हम तुम्हें नौकरानी बनाकर रखे हैं और आजकल तेरी जुबान बहुत चल रही है और अब तो घर के सारे काम भी करेगी और तुझे सिर्फ चार दिन में एक बार ही खाना खाने को मिलेगा, वो भी हमारे आगे का बचा कुचा। जा तेरी यही सजा है, अब जा हमारे लिए खाना तैयार कर। बेचारी राधिका रो रही थी, नेहा और सुषमा हंस रही थी, वो जैसा चाहती थी वैसा हो गया।
राधिका रोते हुए सबके लिए खाना बनाती है तो उसको खाने के लिए कुछ मिलता भी नहीं, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसे खाना देने के लिए मना किया था। राधिका टूटे फूटे स्टोर रूम में चली जाती है और सोने से पहले अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत ज्यादा रोती है। आखिर माँ, आपको इतनी जल्दी क्या लगी थी मुझे छोड़कर जाने की, और पिताजी को किस वादे में बांधकर चली गई थी जिसकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। पिताजी ने तो आपके कहे पर दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो तो शहर में रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि उनकी एक अपनी बेटी भी है और आज उसका जन्मदिन भी है। उन्होंने तो मुझे आज विश भी नहीं किया। देखिए, आज मैं अपने जन्मदिन वाले दिन कितनी अकेली हूँ और फटे पुराने कपड़े पहन रखी हूँ। केक आने की तो दूर की बात है, मुझे तो विश करने वाला भी कोई नहीं है। अगर मेरी सौतेली माँ ने धमकी नहीं दे रखी होती तो मैं पिताजी को सारा सच बता देती। मैं तो पिताजी को सच भी नहीं बता सकती। यहाँ मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मेरे पास आ जाइए या फिर अपने पास बुला लीजिए। ऐसा कहकर राधिका फूट फूट कर रो रही थी कि तभी राधिका की स्वर्गवासी माँ आती है और वो राधिका से कहती है, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यूँ छोड़कर चली गई, लेकिन बेटा जाने वाले को कौन रोक सका है। अब तुम पर इतना अत्याचार होते मुझसे देखा नहीं जा रहा है। बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन देती हूँ, इसकी मदद से तुम्हारी सारी दिक्कतें परेशानी दूर हो जाएंगी। माँ, इस जादुई मशीन से ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से मेरी दुख परेशानी दूर हो जाएगी? बेटा, तुम इस जादुई मशीन के पास कोई भी कपड़ा रखना और वो कपड़े एक सुंदर लहंगे में बदल जाएगा, और तुम जादुई लहंगा पहनकर कुछ भी लहंगे से मांग सकती हो, और तुम्हें किसी भी काम करने की जरूरत नहीं है। जिस भी चीज को हाथ लगाओगी वो काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तुम अपना जन्मदिन अच्छे से मना पाओगी। अब मेरे जाने का समय आ गया है। ठीक है बेटा, ये तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है, जादुई मशीन और जादुई लहंगा। इतना कहकर राधिका की स्वर्गवासी माँ की आत्मा अदृश्य हो जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद राधिका बहुत रोती है और वो जादुई मशीन के पास एक कपड़ा रखती है तो वो बहुत सुंदर लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही राधिका उस जादुई लहंगे को पहनती है तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, और वो उड़ते हुए एक गरीब बस्ती में जा पहुँची और वहाँ जाकर राधिका कहती है, मेरे सामने एक बहुत बड़ा केक आ जाए और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना और मिठाई में बहुत सारी मिठाइयाँ होनी चाहिए। जादुई लहंगा, जल्दी से सारी की सारी चीज मेरे सामने आ जाए ताकि मैं इन गरीब बच्चे अनाथ लोगों के साथ अपना जन्मदिन अच्छे से मना सकूं। राधिका के कहते ही एक बहुत बड़ा केक आ जाता है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना भी आ जाता है और मिठाइयाँ भी कई तरीके की आ जाती है। तभी राधिका गरीब और अनाथ बच्चों के साथ अपने जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाती है। राधिका आज बहुत ज्यादा खुश थी और वो कई साल बाद इतना ज्यादा एंजॉय करती है और पेट भरकर खाना भी खाती है और समय रहते घर आकर सो भी जाती है। सुबह होने के बाद कौशल्या राधिका के रूम में जाती है और राधिका को जोर जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, आज तेरा बाप शहर से वापस आ रहा है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कहना, कहना कि तेरा जन्मदिन हमने बहुत धूमधाम से मनाया है। अगर तूने ऐसा नहीं कहा तो तू जानती है ना मैं तेरा क्या हाल करूँगी। नहीं नहीं माँ, मैं आपके झूठ में आपका साथ नहीं दे सकती। आपने मुझसे बहुत झूठ बुलवाया है। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और मैं आपका जरा सी भी बात नहीं मानूंगी। पिताजी को आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी कि आप कितनी बुरी हैं और आपकी दोनों बेटियाँ भी। मम्मी मम्मी, देखो तो ये नौकरानी आपको कैसे धमकी दे रही है। अब समय आ गया है कि आप इसे अपने रास्ते से हटा दीजिए, वरना समझ लीजिए कि आपका इससे दाना पानी उठ गया, और जो हम ये ऐसी ऐश की जिंदगी बिता रहे हैं ना, अब वो नहीं बिता पाएंगे अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो। हाँ मेरी प्यारी बेटियाँ, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। इस मनुष्य का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशानी खत्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब जब इसका बाप आएगा तो कह देंगे बिजली का झटका लगकर मर गई। जरा तुम बिजली का तार लेकर तो आओ जिससे मैं इसको मार दूं। नहीं नहीं कौशल्या, अब बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, मुझे सब पता चल गया है। तूने मेरी शहजादी बेटी के साथ कितना जुल्म और अत्याचार किया है। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? आप यहाँ माँ? नहीं नहीं, आप तो माँ के लाने के लायक भी नहीं हो। आपने माँ शब्द की इंसल्ट की है।
कल रात मेरी माँ आई थी और उन्होंने मुझे जादुई सिलाई मशीन दी जिसकी मदद से एक जादुई लहंगा बनकर तैयार हुआ और उसी के मदद से मैं पिताजी के पास गई हूँ और उस जादू लहंगों की मदद से आपकी सारी काली करतूत पिताजी को बता दी। अजी देखिए रात गई बात गई, अब मैं राधिका को बिल्कुल भी अब अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। मुझे घर से मत निकालिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप तो जानती ही हैं कि मैं कितनी गरीब थी और मैं अपनी दोनों बेटियों को कितनी गरीबी से पालन पोषण कर रही थी। अब तो ये बड़ी हो चुकी है, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी। मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम करिए, मुझे माफ कर दीजिए। राधिका बेटी अपने पिताजी को समझाओ ना, वो हमें इस घर से ना निकाले, हमारे इस घर के सिवा कोई सहारा नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो सब आपकी वजह से हुआ है, इसलिए आप अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। केशव कौशल्या और नेहा और सुषमा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तीनों माँ बेटी दर दर की ठोकरे खा रही थी, भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रही थी। इस तरह तीनों माँ बेटी को उनकी की सजा मिल जाती है। और इधर राधिका अपनी माँ की जादुई सिलाई मशीन और लहंगों की मदद से अपने पिता के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।